आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग में मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 60 से ज्यादा लोग घायल हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोमवार को बिजली चली गई। इससे बोर्डिंग और चेक इन फैसिलिटीज पर असर पड़ा है और T3 टर्मिनल पूरी तरह से ठप हो गया। एयर इंडिया की इंटरनेशनल फ्लाइट में एक पैसेंजर के खाने में ब्लेड मिली। पैसेंजर ने खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। इसके बाद एयर इंडिया ने माफी मांगी। पुराने दिल्ली के चूड़ीवाला इलाके में एक बड़ा हादसा हुआ। यहां सड़क धंसने की वजह से एक मस्जिद अचानक गिर गई। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। नीट परीक्षा को लेकर उठा विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सहित देश के सभी राज्यों में प्रदर्शन करने की मांग की है। भोपाल में 29,000 पेड़ काटकर मंत्री विधायकों के बंगले बनाने की योजना को कैंसिल कर दिया गया है। नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इसकी जानकारी दी। पन्ना में भीषण गर्मी का कहर जारी है। अजयगढ़ के शांतिनगर इलाके में चलती हुई मोटरसाइकिल में आग लग गई। हादसे के वक्त बाइक पर 3 लोग सवार थे जिन्होंने कूदकर अपनी जान बचाई। गुना में एक युवक की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि युवक अपनी नाराज पत्नी को घर लाने के लिए ससुराल गया था। ससुराल पक्ष का दावा है कि युवक ने आत्महत्या की है जबकि परिजनों ने मारपीट और हत्या की आशंका जताई है। MP के डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ल का गाना सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वे किसी निजी कार्यक्रम में पहुंचे थे तभी ये गाना गाया। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए और पढ़ते रहिए नेशन मिरर।